हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्रा 24/7 ओडिया यूट्यूब चैनल को विभूति दास तुम समस्त वेलकम करुशन पे मैंने आज आम फर्स्ट आउ सेकंड अक्टोबर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कशन करवा जो करंट अफेयर क्वेश्चन की तुम अपकमिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात एंड अड्डा ओडिया प्लाटफर्म को तुम समस्त स्वागत पे मैंने आज आम फर्स्ट आउ सेकंड अक्टोबर जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कशन करवा जो क्वेश्चन के आम एग्जाम अपकमिंग एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम। टाइम रे जमा करिबानी सेशन को स्टार्ट करिबा। ऑडियो वीडियो क्लियर अछि पिला माने? ऑडियो वीडियो क्लियर अछि? चलो रिपीट सेशन को स्टार्ट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर अछि नै पिला? कंफर्म कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, तो सेशन को स्टार्ट करिबा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात पिला माने सुप्रभात। ओके तो सेशन को स्टार्ट करिबा गुट बहुत सुंदर मोटिवेशनल थॉट आज हम सेशन को स्टार्ट करिबे। आज मोटिवेशनल थॉट रहउछि कर्म जेमिति हेउना काहे कि कर्म जेमिति हेउना काहे कि जेबे जाय तुमे तुम कर्म को सम्मान करिना हो सेते बेला जाय तुमे जीवन रे सफलता पाई परिबो नै। कर्म जे कोनोसी कर्म होछि उपला माने तुमे तुम कर्म को सम्मान करो। जे तुमे तुम कर्म को सम्मान करिबो ताले निश्चित रूप से जीवन में सफलता पाई पार। तो आशा करी तुम्हें समस्त परफेक्टली आज क्लास को लास्ट पर्यंत अटेंड कर एंड प्रत्येक क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कह एंड आशा भी रही है ये मोटिवेशनल थॉट तुमको बहुत 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 मोटिवेट कर दिव्य। 24/7 ऐप प्ले स्टोर अवेलेबल अच्छे, तो प्ले स्टोर तुम समस्त 24/7 ऐप इंस्टॉल कर क्लासेस का ऐप थ्रू कंटिन्यू कर पारो। जो टेलीग्राम चैनल तुमको अपडेट इनफर्मेशन प्रोवाइड कर चलती अड्डा ओडिया टेलीग्राम चैनल जो जॉइन करना को जॉइन करते पाने। जो यूट्यूब चैनल तुमको मो सहित कनेक्ट कर पारी अड्डा ओडिया यूट्यूब चैनल जहाँ सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात अड्डा ओडिया प्लेटफॉर्म तुम समस्त स्वागत पाला मैंने। ओके फटाफट क्वेश्चन आंसर कर पाने। क्वेश्चन आसला इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड ऑन दिस। तो प्रत्येक वर्ष कोई दिन को जी हम कही पारा क्लियर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को हम ऑब्जर्व करूछन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जल्दी कहबो। तो क्वेश्चन सा इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड ऑन दिस। प्रत्येक वर्ष को दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हिसाब से ऑब्जर्व करा छे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यदि कहबा तो सब जानी छो आज ही उची सेकंड अक्टूबर एंड प्रत्येक वर्ष सेकंड अक्टूबर को हमें इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व कर सकते बजाय हम कहते अहिंसा दिवस। प्रत्येक वर्ष सेकंड अक्टूबर को हम कौन करो से ना अहिंसा दिवस हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते क्लियर एंड आज ही होची सेकंड अक्टूबर आज ही सेकंड अक्टूबर एंड तो जान रखा दरकार द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड अक्टूबर। तो प्रत्येक वर्ष सेकंड अक्टूबर को हम कौन करते द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज आर ऑब्जर्व करते होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस ऑन द ग्लोबल कैलेंडर। दिस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ लाइक महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी के बर्थडे को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज आर ऑब्जर्व करते। दिस डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। ओके द नॉनवायलेंस प्रोजेक्ट फाउंडेशन प्लेस ए पिवोटल रोल इन एडवांसिंग इन दिस कॉज। सिंपली हमें कहबा तो मैं तुमको सहित डिस्कशन करी डे को केबे ऑब्जर्व करावला काहेक ऑब्जर्व करावला तो हमें समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखिया। तो तुम्हें समस्त मन रखा दरकार, तो समस्त परफेक्ट मन रखा दरकार। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉनवायलेंस हिस्ट्री कहबा एक्चुअली इंटरनेशनल नॉनवायलेंस डे को हिस्ट्री कार रिकमेंडेशन पे हमें ए डेट स्टार्ट हेतला बा ए डे को ऑब्जर्व करया पे के प्रपोज करितले इन 2004। ठीक अछि इरानियन नोबेल लोरेट पिला माने से उचन पिला माने सिरिन एबादी अथवा मत मन देखछन सुनिबला 2004 मसिया रे इरानियन नोबेल लोरेट जे कि सिरिन एबादी जे कि प्रपोज करितले आइडिया ऑफ इंटरनेशनल नॉनवायलेंस। ओके तो अहिंसा दिवस रो आइडिया डाको के प्रपोज करितले ना जाने रखा दरकार से इरानियन नोबेल लोरेट पिला माने सिरिन एबादी क्लियर की एंड तो सब जाने रखा दरकार June 5, 2007 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट करी थला ए रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस एंड 2007 मसिया रे गुडी रिजोल्यूशन का अडॉप्ट करी थला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पिला माने।
ऑल क्लियर की एंड ए जो रिजोल्यूशन टा कोन कोन पे अडॉप्ट कराइतला ना को डे को ऑब्जर्व करे पे ना इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करे पे ऑल क्लियर की बुझि पाललो एट 2007 हम कोन करछ ना इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को ऑब्जर्व करि आसन पला ओके क्लियर की एंड तो समस्त परफेक्टली मन रखा दरकार कहार बर्थडे ना जानिछो मोहनदास करमचंद गांधी को बर्थडे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को बर्थडे अक्टूबर 2 तारीख रे मोहनदास करमचंद गांधी बा लाइक हम को परबा महात्मा गांधी को जन्म होइतला पिला माने एंड तो समस्त जान रखा दरकार ठीक अछि एंड महात्मा गांधी को जन्म को कमोमोरेट रखिया पई हम कोन करछ ना प्रत्येक वर्ष नॉन वायलेंस डे को 2 अक्टूबर हम ऑब्जर्व करि आसे आशा करी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चन को मन रखते पिला माने ठीक अछि ऑल क्लियर की आगु बढ़िया पिला माने एंड जदि कहबे नॉन वायलेंस प्रोजेक्ट किबे फाउंडेड हेतला 1993 रे तो सिंपली हम आगु बढ़िबा तो आशा करी फर्स्ट क्वेश्चन तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चन को लाइक ए जो क्वेश्चन को मन रखते पिला अच्छा पिला माने तुम सब जानिछो लाइक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू is appointed fullness to acting chief justice of odisha high court katak to pila man janicho to sir odisha high court to chief justice apan koithile je ke subhasish talapatra subhasish talapatra ko apan apan to koithile subhasish talapatra je odisha high court ro chief justice appointation in ko yes subhasish talapatra odisha high court ro chief justice apan deithile eta hoche thik tumhe jodha kochu thik katha kochu बट अक्टोबर 3 तारिख रे सुभाषिस तालपत्रकर कार्यकाल सर जाउछ पिला अक्टोबर 3 तारिख रे सुभाषिस तालपत्रकर कार्यकाल सरुछ मींस कहबा आसंता खाली सुभाषिस तालपत्रकर कार्यकाल सरुछ तले क्वेश्चन आसला ओडिसा हाई कोर्ट रो जदि कहबा एक्टिंग चीफ जस्टिस हिसाब रे क्रिस्टियन द्रौपदी मुर्मू को द्वारा का अपॉइंट कराई छ तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जदि कहबा तो तुमे समस्त मन रखा दरकार ना विद्युत रंजन सरंगी जे कि पिला माने एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट देबे ओडिसा हाई कोर्ट ऑल क्लियर की तो सॉरी प्लान है ना विद्युत रंजन सरंगी हो डा डी ऑप्शन हो प्लान है करेक्ट आंसर डी ऑप्शन डा हो डा डी ऑप्शन विद्युत रंजन सरंगी हो क्लियर की तो मन रखा सका विद्युत रंजन सरंगी जे ओडिसा हाई कोर्ट रो वर्तमान चीफ जस्टिस अपॉइंटा पे जाओ के अपॉइंट पे माने लाइक हम का ओडिसा हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस अपॉइंट देबे लाइक विद्युत रंजन सरंगी अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द लॉ मिनिस्ट्री सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट ठीक अछि ओडिसा हाई कोर्ट रो जे कि सीनियर मोस्ट जज पिला माने एंड जे कि अक्टूबर 4 तारिख रे जस्टिस सुभाष चंद्र तालपत्र को स्थान नबे पिला माने एंड तू जानि रख दरकार जस्टिस सुभाष चंद्र तालपत्र को स्थान के नबे ना जस्टिस सरंगी बीआर सरंगी विद्युत रंजन सरंगी पिला माने ऑल क्लियर की एट तो समस्त परफेक्टली मन रखा दरकार विद्युत रंजन सरंगी नयागढ़ ओडोगारु बिलोंग कर दे पिला माने एट तो समस्त मन रखा दरकार एंड जदि कहबा विद्युत रंजन सरंगी डिके डिसेंबर 1985 रे ठीक अछि बार काउंसिल रे जॉइन करथिले पिला माने ऑल क्लियर की एंड तुम जानि रखा दरकार जदि हमें जस्टिस तालपत्र को कथा कहबा जस्टिस तालपत्र जे 33 तम चीफ जस्टिस अपॉइंट दिथिले माने अगस्त 8 तारिख रे पर ताको कार्यकाल सर जाउछ कि अक्टूबर 3 तारिख रे पिला माने एंड अक्टूबर 3 तारिख रे कार्यकाल सरीबा पर अक्टूबर 4 तारिख रे लाइक जस्टिस सरंगी विद्युत रंजन सरंगी जे कि ओडिसा हाई कोर्ट रो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट हे पिला माने ताशा करितो फर्स्ट परफेक्टली क्वेश्चंस मन रखतो जे तो ओडिसा हाई कोर्ट कथा हम डिस्कशन करू छे एटा बोड क्वेश्चंस बनी पारे लाइक हम कह परबा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2014 214 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाइज पिला माने सॉरी आर्चर पिला माने अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 आर्टिकल 214 कोन कहउची ना प्रत्येक राज्य रे गुट गुट हाई कोर्ट रहबे दरकार ओके तो प्रत्येक राज्य रे गुट गुट हाई कोर्ट रहबे दरकार तो केतन नंबर आर्टिकल कहउची ना आर्टिकल 214 पिला माने तो मो कथा मन दे छणिबो ओडिसा जतले स्वतंत्र राज्य रे मान्यता पाइला 1 एप्रिल 1936 रे परवर्ती मुहूर्त रे ओडिसा रे गुटे स्वतंत्र हाई कोर्ट स्थापना करबा पई पिला दाबी उठिदिला एतो समस्त मन रखा दरकार फाइनली हम जदि कहबा 26 जुलाई 1948 रे ओडिसा रे कोन आइतला ना हाई कोर्ट रे प्रतिष्ठा कराइतला ए क्वेश्चंस को भी काहे की इंपोर्टेंट लेबी काहे की ना 26 जुलाई 1948 रे हाई कोर्ट को प्रतिष्ठा कराइतला ओडिसा हाई कोर्ट प्रतिष्ठा आइतला एंड एई वर्ष जदि हम कहबा 2023 रे हाई कोर्ट प्रतिष्ठा रा 75 वर्ष को हमें पालन करै छन चीफ लाइक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जे की एज ए गेस्ट हिसाब रे जॉइन करथिले हाई कोर्ट रो प्रतिष्ठा दिवस रे तो सब जानि रखा दरकार तो आशा करबी तुम समस्त परफेक्ट क्वेश्चंस को मन रखते पिला सर आगो बढ़िबा तले सेकंड क्वेश्चन हमें मन रखले थर्ड क्वेश्चन को जाउ छी पिला माने एंड थर्ड क्वेश्चन आसला व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास नया योजना
ग्रामीण आवास न्याय योजना को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर चुके से तो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना तो पचला को स्टेट गवर्नमेंट ठीक अच्छी क्लियर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना विद द एम टू प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस एलिजिबल बेनिफिशियरीज इन द लाइक स्कीम अक्रॉस द स्टेट जल्दी कहो तो ओडिशा स्टेट जेमिति लाइक मो घर योजना लॉन्च करथिला तुम समस्त जानिथियो पिला माने सेमिति पचला को स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च करछि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करिछि एंड जो स्कीम माध्यम रे तर मुख्य लक्ष्य कोन पिला माने ठीक अछि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस जे कि आर्थिक सहायता से प्रदान करिवो कोन पई ना जो बेनिफिशियरीज माने अछंती तो समानकर घर निर्माण पई तो जानि रखा दरकार यो पिला छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट तो को स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट क्लियर की तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर पिला माने जानि रखा दरकार भूपेश बघेल अछंती तो सब जानि रखा दरकार भी जे कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च करिसन पिला आर मुख्य लक्ष्य कोन विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस एलिजिबल बेनिफिशियरीज ऑफ द स्कीम अक्रॉस द स्टेट जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आसंदी जो माने जो उपभोक्ता माने जो माने पाइबा पई योग्य योग्य उपभोक्ता माने पिला माने मुख्यमंत्री लाइक ग्रामीण आवास न्याय योजना माध्यम रे कोन कहबे ना फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस कहबे आर्थिक सहायता रे पाई परि पिला द स्कीम इंक्लूड्स बेनिफिशियरीज हु नीड हाउसिंग but are not eligible for the scheme under the survey list 2011 as the socio economic and caste census was conducted in the union government in 2011 jo beneficiaries mane achanti but se mane pai parinaati like nijo pai like pakka ghar nirman kari parinaati to sei beneficiaries manaku jodi kaha mukhyamantri gramin awas naya yojana madhyam re kon kara jibo like ghar nirman kariya pai clear arthika sahayata se pradan kara jibo all clear एंड वागेल गवर्नमेंट डिसाइड करी छी छत्तीसगढ़ स्टेट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट हितला प्लान अप्रैल 1 तारीख रो अप्रैल 30 तारीख पर्यंत ए जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट हितला छत्तीसगढ़ रे एंड तो सब जाने रखा दरकार ए जो सर्वे माध्यम रे जो रिपोर्ट आसे कि पहुंचे छी बा जो माने बेनिफिशियरीज मान अछन तो समान को ए स्कीम माध्यम रे कोन करा जइबो ना गृह निर्माण पई आर्थिक सहायता से प्रदान करा जइबला ऑल क्लियर ताशा करबी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चन को मंडक तो पिला माने एंड तो जाने रखा दरकार पिला माने जदे हम देखिबा आगु बढ़िया पिला माने आगु बढ़िबा की तासा करबी नेक्स्ट आगु हम बढ़िया पिला माने ठीक अछि एंड इन दिस स्कीम फर्स्ट पेज रे जदि कहबा पिला माने जदि कहबा 47090 होमलेस फैमिली को कोन करा जइबो ना लाइक गृह निर्माण करिया पई आर्थिक सहायता से प्रदान करा जइबो पिला माने क्लियर की बुझि पाललो वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट हु टेक्स होस द ऑफिस ऑफ सेक्रेसी एज अ मेंबर यूपीएस तो यूपीएस रो मेंबर हिसाब रे के अपॉइंटेशन यूपीएससी रो सदस्य के हिसन कहबे यूपीएससी मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएस रो एज अ मेंबर बा सदस्य हिसाब के अपॉइंटेशन जल्दी कहबो देखा पासन सर के क्वेश्चन यूपीएससी मेंबर इस छत्तीसगढ़ असला मुतमानो से तो डिस्कशन करथली भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर गवर्नर जानिचो आंध्र प्रदेश गवर्नर जेतिले विश्वभूषण हरिचंद्र बर्तमान छत्तीसगढ़ गवर्नर अपॉइंटेशन दिला माने छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर आमे डिस्कशन करिजे ओके वेरी गुड थैंक्स तो हु टेक्स ओथ एज द ऑफिस ऑफ सेक्रेसी एज मेंबर ऑफ यूपीएससी तो यूपीएससी मेंबर यूपीएससी रो सदस्य सर का अपॉइंट कराइज कह परियो डॉक्टर दिनेश दास नीलकंठ मिश्र प्रकाश श्रीवास्तव याले कम कबा पीआर शेषाद्री तो जानि रखा दरकार की अपॉइंटेशन ना डॉक्टर दिनेश दास ऑल क्लियर पिला ने तो डॉक्टर दिनेश दास टेक्स ओथ इज द ऑफिस ऑफ सेक्रेसी एज मेंबर ऑफ यूपीएस तो यूपीएस रो मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएस रो मेंबर हिसार का अपॉइंट राइस ना दिनेश दास ने अपॉइंट राइस पिला ने एट तो जान रखा दरकार एंड ताको सपोर्ट पार्ट करै छन कि ना यूपीएस रो चेयरमैन जे छन मनोज सोनी तो मनोज सोनी जे कि सपोर्ट पार्ट करै छन पिला ने काकु ना दिनेश दास ने पिला ने ऑल क्लियर की बुझि पाललो एंड डॉक्टर दासो वाज चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम डिसेंबर 22 जनवरी 2022 तो डिसेंबर 20 रु जनवरी 2022 पर्यंत जदि कहबा दिनेश दासो जे कि चेयरमैन थिले स्टैंडिंग कमिटी कारण ना ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन रो एंड रिसेंट जदि कहबा दिनेश दासो को कोन क्राइसिस एज ए यूपीएससी मेंबर अपॉइंट करैछन त सपोर्ट पार्ट करैछन कि ना डॉक्टर मनोज सोनी बिला माने जे कि यूपीएससी चेयरपर्सन अछन तासा करबी तो समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखते पिला ऑल क्लियर जदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कथा जदि कहबा पला ने यूपीएससी रे सेटअप हेतला केबे ना अक्टूबर 1926 रे
ए सेटअप होता पे एंड एक्जाम क्वेश्चन भी आसपे इट वाज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाइज लाइक 1926 रे यूपीएससी रे फाउंडेड होता पे ऑल क्लियर की बुझी पारिलो एटा गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनी पारे एंड द स्ट्रांग रिकमेंडेशन मेड बाय द ली कमिशन इन 1924 तो को कमिटी रो बा को कमिशन रो रिकमेंडेशन रे पिला यूपीएससी रे फाउंडेड थला ना ली कमिशन पिला माने तो एटा भी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनी पारे ऑल क्लियर की बुझी पारिलो आगु बढ़िबा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने सेमिति आज आउडे अपॉइंटमेंट को मधे आज रो सेशन रे मु इंक्लूड करिछ क्वेश्चन असला हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट इंडिया लाइक पीटीआई बोर्ड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड रो एज ए चेयरमैन हिसाब से का इलेक्ट कराइछ हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड जदी कोइबे देखा फास्ट आंसर की कोछन जल्दी कहो तो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड जल्दी कहो देखा फास्ट आंसर की कोछन आदिले सुमारी वाला डॉक्टर दुराई स्वामी केन संत कुमार परमिंदर चोपड़ा हु कैन से जल्दी कहो पिला माने एंड समस्त ये लिंक को शेयर करिवो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जों लाइव लर्नर सेशन डाटा जबे जल्दी लिंक को समस्त शेयर कर दो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिंक को शेयर कर दियो तो क्वेश्चन असला हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड रो चेयरपर्सन क्या फाउंडेशन कोई पेरे पिला ने कोई पेरे बकी तो तुम्हें जानी रखा दरकार गुड डे मिनट गुड डे मिनट जल्दी आंसर करिए पिला ने फटाफट क्वेश्चन आंसर कर आंसर यस देखो कि पिला ने अपॉइंट देखिए लाइक हम कहबा केएन संतकुमार कि पिला ने केएन संतकुमार ऑल क्लियर करे बुझ पा संत कुमार जी की पीटी चेयरमैन अपॉइंटेशन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चेयरमैन ला ऑल क्लियर बुझ पा लो ठीक अछि एंड प्रवीण सोमेश्वर जे भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ला ने हिंदुस्तान टाइम्स रो एस ए वाइस चेयरमैन इलेक्टेशन तो देखो एक बार संत कुमार जी की डेकन हेराल्ड रो पिला माने हेड अछंती जे की प्रेस जे के हम कहबा ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई रो चेयरपर्सन अपॉइंटेशन वाइस चेयरपर्सन की ना प्रवीण सोमेश्वर ऑल क्लियर की अच्छा तो को सर एम संत कुमार कहा को रिप्लेस करले अबिक सरकार को ओके बा हम कहबा केन संत कुमार पिला जे कहबा क्लियर कहा को रिप्लेस करले लाइक अबिक सरकार पिला माने ठीक अछि हु सर्व एज द चेयरमैन ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑल क्लियर बुझि परिलो ये सब न गलत तो समस्त परफेक्टली क्वेश्चन मन रखा दरकार दिस इज द सेकंड टाइम दैट ही इज सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट इंडिया पिला माने लास्ट टाइम बीइंग 13 टू 14 ये द्वितीय तौर पे पिला माने एज अ चेयरमैन अपॉइंटेशन केना 2013 टू 2014 पर्यंत से चेयरपर्सन थिले एंड वर्तमान द्वितीय तौर पे पिला माने चेयरपर्सन अपॉइंटेशन के लाइक केएन संत कुमार पिला माने एंड तो जानि रखा दरकार जदी मु प्रेस ट्रस्ट इंडिया कथा कहबी प्रेस ट्रस्ट इंडिया इज द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्राइवेट न्यूज एजेंसी पिला माने अच्छा जदी कहिबो एंड एटा फाउंडेड हेतला आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 रे एटा फाउंडेड हेतला पिला माने तो तुम समस्त मन रखा दरकार ठीक अछि पीटी प्रेस ट्रस्ट इंडिया वाज रजिस्टर्ड इन 1947 एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग 1949 1949 मसे रे कार्य आरंभ करथला सेटअप हेतला 47 रे पिला माने ऑल क्लियर तासा करी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखतो आगु बढ़िया पिला माने आगु बढ़िबा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एट प्लेन आडा सुदले बेच कंडल करू छ ना तो गुटी प्रोमो कोड व्यवहार करिवो सुच वाई दिस एकास वाई 281
যে কোনসি ব্যাচ আসলা ইবুক আসলা টেস্ট সিরিজ আসলা যাহা বি তুমি এনরোল করিবার আছে তো Y281 প্রোমো কোড ইউজ করকি ব্যাচ এনরোল করিবা দো কর দো পিলা মানে অগ্নি ব্যাচ ফায়ার ব্যাচ সঞ্জীবনী ব্যাচ আমরা লাইক কম্বাইন্ড এক্সাম সঞ্জীবনী ব্যাচ আসু জুনিয়র টিচার ব্যাচ আসু কিবা পরশুরাম ইয়া বর্দি ব্যাচ আসু যে কোনসি ব্যাচ ইবুক টেস্ট সিরিজ যাহা বি এনরোল করিবার আছে তো Y281 প্রোমো কোড ব্যবহার করিও পিলা ওকে এন্ড ওডিয়া সিলেক্স মহাপেক রে অনগোইং কোর্সেস সহিত তো সমস্ত আপকামিং কোর্সেস পাই যিও তো ওডিয়া সিলেক্স মহাপেক কো এনরোল করা পে জমার বলিবনি অনগোইং এন্ড আপকামিং কোর্সেস পাইয়া পাই एंड प्रोमो कोड यूज करियो Y281 एंड जेतु डीवी अछि पिला माने डीवी एक्टिव अछि लाइक महापैक रे तो बेटर Y281 प्रोमो कोड यूज कर एनरोल करि परबो नेक्स्ट अच्छा पिला माने कहि परबो कि इन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्वड ग्लोबली ऑन डेस्क तो को दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व क्राइस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कैन से इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन थैंक यू पिला थैंक यू जल्दी आंसर करबो तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डेस्क जल्दी कहबो अक्टूबर सेकंड अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर थर्ड अक्टूबर या फोर्थ अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन विष्णु एंड जो माने भी भाबुचो वैकेंसी केबे आसीबो पिला माने जो छाई आलू रो खेलो कथा कहितलु ट्रिपल एक्स से हम सहित से खेलो खेलि चली छ क्लियर लाइक दिन पर दिन से गड़ाई चली सेप्टेम्बर आसो लाइक अगस्ट आसो कहला सेप्टेम्बर आसो कहला अक्टोबर आसो बर्तमान मेनसन कर आशा भी रोक अक्टोबर में वैकेंसी आसो आशा कर समस्त बाकी तुमको सबुद कही आज भी कौच नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कि आगे बढ़ सक्सेस पाइब तुम भाव अरे यार ये पल्ले सेमती कौन करदेला कहला प्रोस्टेट हो जा पढ़ी पारे तमको भाभी रखा दरकार ये सामक समय मिलला आगे परिश्रम करने तो यही थट नहीं कि आगे बढ़िवार अच्छे आम टाइम मिलगला पढ़ापाई तो यही थट नहीं कि आम आगे बढ़िया जदि निश्चित रूप से सक्सेस पाइबा पाइब आई नुह सब नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव थट्स आगे जी पे मैंने सब डिले बाबा सब डिले जल्दी कह तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डेस्क प्रत्येक वर्ष को दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व कर तो जान रखा था अक्टोबर 1 तारीख तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व्ड अक्टोबर 1 ईच ईयर तो गतकाली हमें कौन करथले इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व करथले माने ऑल क्लियर की बुझ पाल ना एट 2023 मसेर में 23 तम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व कर छला सॉरी 33 तम 2023 मसेर 33 तम लाइक हम को परि पे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व कर अच्छा ए वर्ष थीम कौन था फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन एथर थीम कौन रहउची फुलफिलिंग प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस द लाइक जनरेशन तो अक्टूबर लाइक 1 को नो डाउट हमें इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन से ऑब्जर्व करले बट यदि कहबा डिसेंबर 14 1990 मसेर कोन आइथला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे रिजोल्यूशन पास आइथला कोन रिजोल्यूशन पास आइथला ना अक्टूबर 1 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन से ऑब्जर्व करा जाय बोली एंड ठीक तार पर वर्ष 1991 मसेर ठ हम कोन करछ इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को ऑब्जर्व करिया सन तासा करी तो सस्त परफेक्ट मन रखिबो लाइक 14 डिसेंबर 1990 रिजोल्यूशन पास हला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे एंड नेक्स्ट तार ईयर लाइक 1991 रे हमें कौन करछे ना प्रथम तौर पर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन इज ऑब्जर्व करछन्दि एंड 2023 में से कोई पर 33 तम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का ऑब्जर्व करछन्दि थीम कौन फुलफिलिंग प्रॉमिसेस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस द जनरेशन जे कमका थीम रहउछ तासे करबी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मध्य मन रखतिबो ऑल क्लियर की बुझी परिलो ये सुन नो बहुत बड़ा बला ना बुझबो अच्छा पिलाने क्वेश्चन आसला देखो आजिरो सेशन रे तुम्हें जहाँ मैंने लाइक आजिरो सेशन की अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन स्टे रही थी एंड जोड़ा कि हम एग्जाम पे दरकार पिला मैंने कोई परियो कि हु वाज अपॉइंटेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया तो इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट इस और कहां का अपॉइंट कराई यू कैन से हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया तो इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट इस और क्या अपॉइंट है चाहते कोई परियो सौगत गुप्ता या केन संत कुमार या गोकुल सुब्रमण्यम जल्दी कहबो
तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया, तो इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट इस बार कहां को अपॉइंट कराई छ जानतो का दरकार गोकुल सुब्रमण्यम। तो चिप मेकर पिला माने इंटेल चिप मेकर हम कहि पा जे कि गोकुल सुब्रमण्यम को अपॉइंट करी छि इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट हिसाब रे। ऑल क्लियर की बुझी परिलो? तो आशा करबी मन रखियो समस्ते, तो समस्त पब्लिकली मन रखा दरकार। तो गोकुल सुब्रमण्यम जे कि इंटेल इंडिया रो एज ए लाइक हम कहबे रेखनो ना प्रेसिडेंट अपॉइंटेशन, ही विल बी रिस्पांसिबल फॉर द कंपनीज ओवरऑल इंजीनियरिंग डिजाइन ऑपरेशन इन द कंट्री। तो इंडिया रे जदी कोबा लाइक कंपनी द ओवरऑल इंजीनियरिंग पार्ट्स असला लाइक डिजाइन पार्ट को संभालिए प्लान बा आर हेड इज आर अपॉइंटेशन हम कोइ परबा। तो को सर से कहा को रिप्लेस करिले? ही रिप्लेस्ड निवृत्ति रॉय। का रिप्लेस करिसन? निवृत्ति रॉय को रिप्लेस करिसन। एंड निवृत्ति रॉय जे कि रिजाइन करथिले प्लान माने निवृत्ति रॉय जे कि रिजाइन करथि जून 2023 रे। एंड आफ्टर जून 2023 पोस्ट वैकेंट थला एंड गोकुल सुब्रमण्यम के इंटेल इंडिया रे वर्तमान प्रेसिडेंट अपॉइंट कराला प्लान। एंड तो जानिछो इंटेल जदि कह वर्ल्ड रो लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर पिला माने जानि रखा दरकार। एंड ऑपरेट्स इज सेकंड लार्जेस्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर इन इंडिया। जदि लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड रे जति कि डिजाइन और इंजीनियरिंग सेंटर अछि तो सेकंड लार्जेस्ट इंजीनियरिंग सेंटर को सेटअप करिछि पिला माने लाइक हम कह परबा इंडिया रे आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स पर जदि कहबा सेकंड लार्जेस्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सेंटर को सेटअप करिछि पिला माने इंटेल को ना इंडिया रे पिला माने। एंड गोकुल शर्मा जे कि इंटेल इंडिया रे प्रेसिडेंट अपॉइंट हेछ। आगु बढ़िबा एंड से काहा रिप्लेस करले? निवृत्ति रॉय को, जो निवृत्ति रॉय जून 2023 डिजाइन कर दितले। अच्छा पिला माने कहि परबो कि हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज। 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज रो आमे जदि कहिबा रिसिपिएंट के अछन ना रिसिपिएंट शस्त्र रामानुजन प्राइज, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ शस्त्र 2023 शस्त्र रामानुजन प्राइज। तो शस्त्र रामानुजन प्राइज रो विनर के प्लान है? तो पिला माने तुम पय ऑप्शन होची ओके ज्वेंग जांग श्रीपा रामानुजन एला कब का प्लान है शोमिंग गो एंड जुमिंदु नाउडा माने जबरदस्त नाउडा ज्वेंग सांग श्रीपास रामानुजन शोमिंग जू एंड जुमिंदु जुमिंदु हु कैन से वेरी गुड मॉर्निंग तमंडक दकर बिलावर नाडडी का शब्द नर अछि ज्वेंग सांग ओके ज्वेंग सांग पिला माने मैथमेटिशियन ज्वेंग सांग पिला माने जानि रखे दरकार। एंड जे असिस्टेंट प्रोफेसर अछन्ते कार असिस्टेंट प्रोफेसर अछन्ते पिला माने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रो जे कि ज्वेंग सांग जने मैथमेटिशियन जने असिस्टेंट प्रोफेसर अछन्ते पिला माने जे कि तो समस्त मन रखे दरकार 2023 रो शस्त्र रामानुजन प्राइज रो विनर बनि पिला माने। ऑल क्लियर की? दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्षेत्र रे जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अछि कहारो ना ज्वेंग सांग कर पिला जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अछि तो से कंट्रीब्यूशन पै लाइक हम कह परबा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक ज्वेंग सांग को कोन करा छ ना शस्त्र 2023 रामानुजन प्राइज सम्मानित करा छ पिला। ऑल क्लियर की? बुझी परलो? तो आशा करी तो समस्त परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखते पिला माने ठीक अछि क्लियर। एंड ए जो अवार्ड ता रामानुज श्रीनिवास रामानुजन को स्मृति उद्देश्य दिया जाय पिला ने मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को स्मृति उद्देश्य दिया जाय पिला माने एंड तुम जान रखा दरकार ठीक अछि। आगु बढ़िबा ताशा करी छौ सबसे परफेक्टली क्वेश्चंस को मन रखते पिला माने यो छन से ज्वांग जांग पिला माने। आगु जिबा नेक्स्ट। अच्छा पिला माने क्वेश्चन असला व्हिच डे इज ऑब्जर्वड ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर रो प्रथम मंडे को प्रथम सोमवार को आमे जदि कहबा को डे इज ऑब्जर्व करा छ बुझि पालो कोन कहउछि क्लियर जेला छि आसी व्हिच डे इज ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मास रो प्रथम सोमवार को डे इज ऑब्जर्व करा जाय पिला ने व्हिच डे इज ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंडे ऑफ अक्टूबर ईच ईयर। जल्दी आंसर करिबो इंटरनेशनल कॉफी डे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन या लाइक वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो प्रत्येक वर्ष आमे जदि कहबा फर्स्ट मंडे अक्टूबर रो प्रथम मंडे को आमे को डे इज ऑब्जर्व करू छन कैन से जल्दी आंसर करियो देखो फर्स्ट आंसर के कहउछन फटाफट क्वेश्चन आंसर उडा कहि चलिबो देखो फर्स्ट आंसर के कहउछन जल्दी जल्दी आंसर करिबो। तो पिला माने दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर मास रो प्रथम मंडे को आमे हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व करू छन
ୱାର୍ଲଡ ହେବିଟେଟ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଡେ ଅଫ ଅକ୍ଟୋବର ଇଚ୍ ଇୟର୍, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଡେକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ହେବିଟେଟ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସବ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟୁ କ୍ଲିୟର ନାମକ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ହେବିଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓକେ ଟୁ ହେଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସେଲ୍ଟର। ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ କହିବା ୱାର୍ଲଡ ହେବିଟେଟ୍ ଡେ ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଡେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ, ମିନ୍ସ ଆଜି ପିଲାମାନେ cities as drive of growth recovery ଯେଟା କି ଆମେ କହିବା 2023 habitat day ର theme ହଉଛି ପିଲାମାନେ, and ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଡେ କୁ ଆମେ habitat day ସାର ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ଆଶା କରିବି ତ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କୁ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଗ ଯିବା ଆଚ୍ଛା, ତ ଜାଣିଛ ନା ବାବା ଅପସନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡର ପର୍ସନ୍ ତ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ, ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଡେ କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଲେ, ଆଚ୍ଛା habitat day କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଡେ ଅଛି ତମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଡେ କୁ କେବେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଡେ ଯଦି କହିବା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ସାର୍ କାହିଁକି ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଫି, କ୍ଲିୟର। କଫିର ୟୁଜେସ୍ କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖକୁ ଆମେ କଫି ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କି। ଦେର ଆର୍ ମେନି ହୁ ବିଲିଭ୍ ଦାଟ୍ କଫି ମାଇଟ୍ ପୋଜ୍ ଇଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ହେଲ୍ଥ। Therefore, on this day, people are educated about various benefits of the beverage. So, kichi kichi loko coffee ku swasthya prati khetikarak boli bhabanti, aur kichi kichi loko kon karanti na like am kapari aro various benefits kotha madhyo kuhanti pila mane. All clear ki, and pratyek barsh ame jodi kahiba like October 1 tarikh ko ame international coffee day sar madhyo observe koruchan pila mane. Clear ki, asha kori tumi sabse perfectly mon rakha dorkar. For the first time, international coffee day was celebrated back in 2015, 2015. ପ୍ରଥମ ତରଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ଦ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ କଫି ଲଭର୍ସ ଇନ୍ 2014 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଫି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫାଇନାଲ କରିଲା ୟେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଯେଉଁମାନେ କଫିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରି ଏ ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯିବ। 2015 ଆମେ ଏ ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ବଢିବା ଚାଲ ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। And World Habitat Day देखली 2nd October, next आम जो दिखिया पिला माने Coffee Day 1st October, okay? तासो चत्ता घटे आमे मनो रख दिले Coffee Day 1st October, Non-Violence Day 2nd October, Older Person Day 1st October and Habitat Day 1st Monday of October. अच्छा पिला ने question पच्छला, where is the 4th edition of Indo-Latin America Cultural Festival being organized? तो को जगरे Indo-Latin America, ठीक अच्छी? ଇଣ୍ଡୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛେ। ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର କରିବ, ଦେଖ ଫାସନ୍ ସାର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି କହିବ। ତ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ 4th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ତ ଇଣ୍ଡୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯଦି କହିବା ତ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଡେଲି ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଇଥିଲା 4th ଏଡିସନ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା କଲଚରାଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇଥିଲା 4th ଏଡିସନ୍ ପିଲାମାନେ। ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ କଲଚରାଲ ରିଲେସନ ଦାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ICCR ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଡେଲିରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କି, ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପିଲାମାନେ? ଏ ଟୋଟାଲ ଅଫ 34 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ 3 କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଲାଇକ କଲମ୍ବିଆ, ଇକ୍ୱେଡର ଏଣ୍ଡ ଚିଲିରୁ, ଚୌତିରିଶ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଦୁନିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର କି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। The objective of this event is to showcase the rich cultural heritage of Latin America. So, Latin America rich heritage cultural ko bila mane, ba cultural heritage ko like showcase kare ba promote kare ba ar mukhya lakshya thila. All clear? Aage badhi ba? Yes. Pila mane Asian game related ame content discussion kari asse. Aaj madhyo Asian game related content rakhiche. To ame dekhi ba Asian game re bartan porjonto India ko ketoti medal milichi. Ko ko event re India medal paichi tapra ame ଆଜିର ସେସନରେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଓନ୍ ଦ ମିକ୍ସଡ ଡବଲ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟେନିସ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍? ତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମିକ୍ସଡ ଡବଲରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ତ କୋଉ ଦିନ ଜଣ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟର ଯିଏକି ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ମିକ୍ସଡ ଡବଲରେ
କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଇକ୍ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟର ଭାରତ ପାଇଁ ଏ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି କହିପାରିବ? ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ନାମକ ପିଲାମାନେ ତାଇପି ୟୋସିଓ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ନାମକ ପିଲାମାନେ ରାମକୁମାର ରାମନାଥନ ଆଣ୍ଡ ସକେତ ମେନେନି। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ଯିଏକି ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ରିପ୍ଲାନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର କଥା, ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ। ଓକେ, ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ରହିଛନ୍ତି? ଚାଇନିଜ ଯଦି କହିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ୟୁସୁ ହୁ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ନା ଗୁଡାକ ମାନେ ଅଶୋକ ସିଂ ସାଙ୍ଗ, କ୍ଲିୟର? ୟୁ ସିଉସୁ ଆଣ୍ଡ ହାଉସିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ହରେଇ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ଯିଏକି ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକେଣ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ଦ ଟେନିସ୍ ଏଟ୍ ଦ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ରାମକୁମାର ରାମନାଥନ ଆଣ୍ଡ ସକେତ ମେନେନି। ତ ସକେତ ମେନେନି ଆଣ୍ଡ ରାମକୁମାର ରାମନାଥନ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଯଦି କହିବା ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ଋତୁଜା ଭୋସଲେ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତ ଆଶା କରିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ମେଡାଲ ଟେବୁଲ କଥା ଦେଖିବା, ଟପ୍ ଟେନ୍ ପୋଜିସନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଚାଇନାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 133 ଗୋଲ୍ଡ 62 ସିଲଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି, 39 ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଟୋଟାଲ 244 ମେଡାଲ ମିଳିସାରିଲାଣି ପିଲା ଚାଇନାକୁ। ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ମେଡାଲ ପାଇଁ, ଯେମିତି ମେଡାଲ ଟେବୁଲର ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ପୋଜିସନ ଯେମିତି ନବ। ସାଉଥ କୋରିଆ ଯଦି କହିବା 30 ଗୋଲ୍ଡ 35 ସିଲଭର 60 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ, ଟୋଟାଲ 125 ମେଡାଲ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଜାପାନ ପିଲାମାନେ 29 ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ହେଉଛି 41, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହେଉଛି 42, ଟୋଟାଲ 112 ମେଡାଲ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାପାନ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭାରତ ପିଲାମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର 13 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, 21 ସିଲଭର ମେଡାଲ, 19 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ, ଟୋଟାଲ 53 ମେଡାଲ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ 4th ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଉଜବେକିସ୍ତାନ 5th ପୋଜିସନ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ 6th ପୋଜିସନ, ଚାଇନିଜ ତୈପେଇ ଯେମିତି କହିବା 7th ପୋଜିସନ, ହଂକଂ ଲାଇକ୍ କହିବା 8th ପୋଜିସନ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କୋରିଆ 9th ପୋଜିସନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 10th ପୋଜିସନ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା 53 ମେଡାଲ ମିଳିଛି, 13 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, 21 ସିଲଭର ମେଡାଲ ଆଣ୍ଡ 19 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର କି ବୁଝିପାରିଲ? ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ କୋଉ କୋଉ କାଟେଗୋରି କେତେଟା ମେଡାଲ ମିଳିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେଡାଲ ପାଇଛି ସୁଟିଂରେ ପିଲାମାନେ। ତ ସୁଟିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 22 ମେଡାଲ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ରୋଇଂରେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ 5 ମେଡାଲ ପାଇଛି, କ୍ରିକେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ ପାଇଛି ଜାଣିଛ, ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି, ଆଶା ବି ରହିବ ମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଯେମିତି ପାଇବ। ସେଲିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଛି 3 ମେଡାଲ ପିଲାମାନେ। ଯଦି କହିବା ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହର୍ସ ରାଇଡିଂରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଇକ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିଥିଲା ପିଲା। ତ ଯଦି କହିବା ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ୍ରିଆନରେ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡାଲ ପାଇଛି 2 ମେଡାଲ, ଉଷୁରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ ପାଇଛି, ଟେନିସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ 2 ମେଡାଲ ପାଇଛି, ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ 2 ମେଡାଲ ପାଇଛି, ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 12 ମେଡାଲ ମିଳିଛି, ଗୋଲ୍ଫରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ, ବକ୍ସିଂରେ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ମେଡାଲ। ଟୋଟାଲ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆକୁ 53 ମେଡାଲ, 53 ମେଡାଲ ଯଦି କହିବା 13 ଗୋଲ୍ଡ 21 ସିଲଭର ଏଣ୍ଡ 19 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା ଯଦି 53 ମେଡାଲ ପାଇଛି, 53 ମେଡାଲ ପାଇଛି, 53 ମେଡାଲ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କହିବା ମେଡାଲ ଟେବୁଲର 4th ପୋଜିସନ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ କିଏ ଅଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚାଇନା, ଯିଏକି 133 ମେଡାଲ ପାଇଛି ଗୋଲ୍ଡ 62 ସିଲଭର ବ୍ରୋଞ୍ଜ 39, ଟୋଟାଲ ଯୁକା ଚାଇନାକୁ ଲାଇକ 244 ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଶା କରିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ କ୍ଲାସେସ୍ ନେଉଛି, ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ କମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଜି ରଖିଛି ଲାଇକ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ। ବଟ୍ ଯେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିଛି ଏକ୍ସାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲି, ତ ସେସନ୍କୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଯେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେବା ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସରେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖକୁ ଆମେ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସରେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଲାଇକ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଏ ପିଲା, ନା ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ସରଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ ଆକ୍ଟିଂ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ନ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ଯଦି କହିବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ହୁ ଟେକ୍ସ ଓଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ୟୁପିଏସ୍ସି, ଜାଣିଲ
लाइक दिनेश दास अपॉइंटेशन पिला माने पाकिस्तान तार नंबर बर्तन आम मन रखिया कहीं शत्रु देश को मन रख पार टॉप 10 मन रखिया आम पाकिस्तान को कहीं पचार सका मुड ऑफ करनी पाकिस्तान ना पचारे दिनेश दास नेक्स्ट आम कह हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट इंडिया बोर्ड लाइक से केन संत कुमार नेक्स्ट आम डिस्कशन करें लाइक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन तो अक्टोबर 1 तारीख इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हिसाब से ऑब्जर्व करा से तापर देखिले पिला माने हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट के पिला माने तो जाने रखा दरकार से होसंती गोकुल सुब्रमण्यम तापर हम डिस्कशन करले शास्त्र रामानुजन प्राइज रिसिपिएंट के ना से होसंती पिला ज्वांग सिंह ज्वांग जांग पिला माने जे कि जति कहबा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड मैथमेटिक्स के तरह कंट्रीब्यूशन पई ए शास्त्र ई जो अवार्ड तं सम्मानित कराई छी आफ्टर दैट हम देखिले पिला माने फर्स्ट मंडे अक्टूबर फर्स्ट मंडे को कोडे हिसाब ऑब्जर्व करछन वर्ल्ड हैबिटेट डे हिसाब ऑब्जर्व करछन तापर हम डिस्कशन करथले पिला ने लाइक इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल को लाइक दिल्ली रे ऑर्गेनाइज कराई छी तापर देखिले हम एशियन गेम ऊपर डिस्कशन करथले एशियन गेम रो जो डबल रे का गोल्ड मेडल मिलिस रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले को मिलिस पिला माने एंड ता सहित हम मेडल टेबल कथा देखिले चाइना जे कि फर्स्ट पोजीशन अछि साउथ कोरिया सेकंड लाइक जापान थर्ड इंडिया फोर्थ पोजीशन अछि उज्बेकिस्तान फिफ्थ पोजीशन अछि एंड इंडिया को टोटल 53 मेडल मिलिस 13 गोल्ड 21 सिल्वर एंड 19 ब्रोंज पिला माने ऑल क्लियर तो प्रीवियस क्लासेस रे हमें किछि क्लियर प्रीवियस क्लासेस हमें किछि क्वेश्चन ऑफ द डे रे क्वेश्चंस सेशन रे किछि क्वेश्चन तुमानु पचारिथिली जारे कि करेक्ट आंसर तुमे समस्त कमेंट सेक्शन रे कहितलो एंड मु तुमानु प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे रे क्वेश्चंस ता डिस्कशन कर रखे ता सहित आजिरो मते क्वेश्चन ऑफ द डे रे क्वेश्चंस तुमानु दे देबुला ओके तो प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे रे क्वेश्चन जो देखिबा तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला पिला माने लाइक विथ where will the country's first polythene west bank be established the polythene west bank ta kod establish itla ek uttarakhand tumaro correct answer ho pila mane next jodi koiba which film has been named as india's official entry for oscar janicho 2018 everyone is a hero world rabies day jodi koiba pila mane to world rabies day kam keb observe koruche jani rakha dorkar 28 september jodi kam world rabies day ase to 28 september kam world रबीस डे सर ऑब्जर्व करुछन प्लाने फोर्थ क्वेश्चन थला व्हिच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अर्थक्वेक वार्निंग सर्विस इन इंडिया प्लाने तो जान रखा दैट इज गूगल एटा भी डिस्कशन करथिले एंड जदी कहि पा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ व्हिच कोऑपरेटिव बैंक तो कहारो लाइसेंस को काट देछि ना कपुल कोऑपरेटिव बैंक ये थला पिला माने आजरो क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन पिला माने एंड ले सॉरी प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन प्लाने बहुत सारा छुआ माने करेक्ट आंसर करथिले विष्णु प्रसाद जे कि फर्स्ट आंसर करथिले स्वप्नाप्रिय भक्ति प्रसाद त्रिलोचन साहू स्वर्णलता प्रधान एंड मनोज साहनी आदित्य कुमार साहू वर्षा दास यशोमती साहू प्रज्ञा परमिता भट्ट एंड स्नेहलता सिंह एंड राजकिशोर इतिस्मिता कावेरी मधुसूदन सॉरी मधुस्मिता स्वाई भक्ति प्रसाद घोष्ट बीट स्वर्णमयी पृष्टि एंड सुकांति बेहरा सुप्रिया मल्लिक दीपा प्रश्री किरण कुमार पंडा सुशील प्रधान सॉरी सुनील प्रधान न्यूश्री एंड अलाडी मुर्मू सुभद्रा परेडा वीरेंद्र कैमिंग कृष्णा कावेरी खंडे भी करेक्ट आंसर करते टुडेज क्वेश्चन द डे क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर प्रणाम सर गुड मॉर्निंग हैव ए गुड डे थैंक यू वेरी मच माय डियर बाबू सर यू आर नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बींग वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर स्टूडेंट्स मे prepare current efforts from your videos and that the marks can get him selected and thereby get a job. You are the world's best teacher, my dear. Thank you, Krishna. Thank you, ma. Thank you. Thank you, Krishna Gabari. Thank you, ma. Thank you. Clear. And next, Parvati Dalai bhi correct answer kartile. Shankar Natula, she bhi correct answer kartile. Tabhi thi bahut saare chhawan correct answer karte, jo mane correct answer karte, dhanyabad. एंड एमती मो सहित कनेक्ट ही रही है प्रत्येक दिन आशा भी रही है तुम समस्त क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन आंसर कह थैंक यू पिला माने एंड प्रत्येक दिन कनेक्ट ही रही है मुझे चेस्ट करी तुमको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन रोचे रिसेंटली एम एस स्वामीनाथन एज पास्ट अवे ही वाज ए फेमस पर्सन इन व्हिच फील्ड फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट विल द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार स्टेट बी एस्टैब्लिश्ड फोर्थ क्वेश्चन आसला वर्ल्ड हार्ट डे हम केव ऑब्जर्व करूचे फिफ्थ क्वेश्चन आसला ओडिशा व्हिच विलेज हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 बाय द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतला आजरो क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन एंड आडा सो इतला बेच को एनरोल करिबो तो गोटिए प्रोमो कोड जो दैट इज Y281
তুমি যে কোনসি পেজ ইবুক টেসিরিজ লাইক মোর করেন্ট অ্যাফেয়ার বুক ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক কই পারি করেন্ট অ্যাফেয়ার পাই যদি এনরোল করা পাই চাওছো তো ওয়াই 221 প্রমো কোড ইউজ করি এনরোল করি পারি প্ল্যানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক কই পারি করেন্ট অ্যাফেয়ার পাই তার সাথে যে কোনসি পেজ আসলে ইবুক আসলে টেসিরিজ আসলে যাহা ভি তুমি এনরোল করিবার আছে ওকে তো ওয়াই 221 প্রমো কোড ইউজ করে ফায়ার বেজ আসলে লাইক কম্বাইন লাইভস্টক ইন্সপেক্টর ফরেস্টার ফরেস্ট গার্ড সঞ্জীবনী বেজ পরশুরাম বেজ ওড়িশা পুলিশ এসআই পাই বর্দি বেজ এসএসডিডি পাই যে কোনসি পেজ ইবুক টেসিরিজ যাহা ভি আসছে গোটিয়ে মাত্র প্রমো কোড ইউজ করি এনরোল করিবা দ্যাট ইজ ওয়াই 281 প্ল্যান ओके जूनियर टीचर बैच को एनरोल कर पारिबो ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक रे जति ऑनगोइंग कोर्सेस हमर चली छि नामे प्लान करि छि जति अपकमिंग कोर्सेस आने पई सब ऑनगोइंग अपकमिंग कोर्सेस पाइ जे प्लान ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक के ऊपर आज ए डबल ब्रेड थ्री भी होछला ओके तो जे चाहु छ एनरोल करया पई एनरोल कर पारिबो सेशन जे भले सेशन लाइक करिबो शेयर करिबो वैल्यूएबल कमेंट सब सब्सक्राइब कर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो थैंक यू लव यू प्ले माने हैव अ ग्रेट डे सेशन को एंड अप करू छि नेक्स्ट सेशन मिसि मैं जेमते हम डिस्कशन करया से डिस्कशन करया थैंक यू प्ले माने एंड समस्त दिस सेशन को लाइक करके सेशन एग्जिट हम समस्त सेशन लाइक करके सेशन एग्जिट हम थैंक यू लव यू हैव अ ग्रेट डे पिला माने प्रमोशन गोटे अलग प्रकार ना पे मैंने अच्छा ठीक अच्छे प्रमोशन टे अलग लेवल प्रमोशन ना क्लास आसिक अच्छा ठीक अच्छे धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू प्लान थैंक यू।